को मौती घाट उतारने वाला शातिर अपराधी आज पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। विकास को ले जाते समय जहां गाड़ी पलटी उसका पूरा जायजा लिया हमारे संवाददाता मधुर मोहन ने। इसमें NH2 हाईवे में खड़े हैं, ये वो हाईवे जो कि कानपुर दिल्ली को जोड़ता है और कानपुर झांसी जोड़ता है, और जो ये गाड़ी आ रही थी कुत्ता अपराधी जिस पर बैठा था विकास दुबे वो झांसी तरफ से आ रही थी। ये वो जगह है जहाँ पे आज सुबह इनकाउंटर किया गया विकास दुबे का। आपको दिखाना चाहेंगे पूरा क्राइम सीन क्या था यहाँ पे। ये गाड़ी जो हाईवे देख रहे हैं इस हाईवे से गाड़ी जा रही थी रफ्तार में और बारिश हो रही थी, बारिश के कारण गाड़ी बता रहा है पलटी है। और ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पे कॉर्नर पे आने के बाद गाड़ी पलट गई है, और गाड़ी पलटने के बाद गाड़ी वहाँ पे इस जगह कहाँ पानी सामने पड़ा है वहाँ पे आप बताएंगे वहाँ पे गाड़ी पलट गई थी। पलटने के बाद गाड़ी के अंदर विकास दुबे और कम से कम 4 से 5 जो एसटीएफ जवान थे वो उसके अंदर थे, और जब गाड़ी पलटी तो विकास दुबे ने उससे निकलने की कोशिश की ऊपर से, और जब भागा है विकास दुबे तो उसमें जो एसटीएफ जवान था उसकी पिस्तल लेके भागा है। उसमें भी पीछे से और भी जो गाड़ियाँ आ रही थी उस गाड़ी में जो जवान और थे एसटीएफ के उन्होंने जवाबी फायरिंग उसमें की है, उसने भी फायर की है एसटीएफ के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो भागा है आपको वो रास्ता दिखाएँ किधर से वो भागा, ये बगल से सिकरी रास्ता गई आप साफ देख सकते हैं। जो ग्रामीण हैं ग्रामीण वहाँ से निकल के आ रहे हैं, और यहाँ से कम मेन रोड से हाईवे की बात करें यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर वो भाग पाया था। उसने वहाँ जाके पेड़ में छुप के वहाँ से फायरिंग की है एसटीएफ के जवानों के ऊपर, लेकिन एसटीएफ जवानों ने भी जवाबी फायरिंग में उसके एक गोली कंधे में लगी है, एक गोली कमर में लगी है और एक गोली सीने लगी है, जिसके कारण वो काफ़ी घायल हो गया था। और भागने के बाद थोड़ी 50 मीटर दूरी पे उसका इनकाउंटर कर दिया था। अब आप हम दिखाएंगे ये वो इलाका वो जगह है जहाँ पे उसका इनकाउंटर किया गया है, आप साफ देख सकते हैं वो इलाका है। ये देखिए ये जो जगह है जहाँ पे उसका इनकाउंटर किया गया है, ये देखिए इस चीज़ पे कलर पड़ा हुआ है। यहाँ पे फॉरेंसिक टीम जो थी उसने यहाँ जांच की है, जांच में जो भी लैब द्वारा जो भी यहाँ पे डाला गया है यहाँ पे खून उसका पड़ा था। और ये सामने आपको एक रास्ता दिखाएंगे, सामने रास्ता गई यहाँ से 25 किलोमीटर दूर उसका गाँव पड़ता है कहाँ पर वो रहने वाला था। तो ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे वो यहाँ से भाग के वहाँ जाना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं एसटीएफ जवानों ने इसको पूरा मुस्तैद दिया और इसको गोली मारी और मौके पर इसको ढेर कर दिया। मधुर मोहन दुबे, KNews कानपुर।